हेलो गाइस, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू व्लॉग्स एंड भक्ति। तो आज एकादशी है और मैं अपने कान्हा जी के लिए एकादशी स्पेशल भोग बना रही हूँ। तो इसमें मैं बनाऊँगी साबूदाने के वड़े। तो इसके लिए मैंने आलूओं को उबाल के छील लिया और उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। फिर इसमें मैं थोड़ी सी मूँगफली भी भुनी हुई है क्रश करके डाल दूँगी। और साबूदाना ये हमारा 3 से 4 घंटे भिगो के रखा गया था, तो मैं उसको मिक्स कर दी। फिर उसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी नींबू, नमक, मिर्च, धनिया पत्ती और जीरा। सब कुछ डाल के इसको अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो बना लूँगी। और ये देखिए गाइस, हमारा डो तैयार हो गया। अब मैं इसके बनाऊँगी वड़े। तो ये हमारा छोटे छोटे मैं वड़े बना लूँगी कान्हा जी के लिए, भोग के लिए। तो ये हमारे वड़े बन रहे हैं और इसके बाद ये हमारे वड़े बन के तैयार हो गए। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी लगभग आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाला घी और घी गर्म हो गया। फिर मैं इसमें वड़े तल लूँगी और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बने थे वड़े, क्योंकि जो फ्रिज में रख दिए थे ना थोड़ी देर के लिए। फिर ये हमारे गाइस वड़े सेक रहे हैं। चलो फ्राई कर लीजिए। अगर व्रत में ना खाना हो तो कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं व्रत में खाना है तो हमने घी का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने बनाई है मीठी चटनी गुड़ और टमाटर की। हरी चटनी भी अच्छी लगती है लेकिन मैंने नहीं बनाई थी। और ये हमारे वड़े बन के सिक के रेडी हो गए। मैं कान्हा जी का प्लेट लगाऊंगी। प्लेट में मैंने रखा है कुछ फ्रूट्स और चटनी, पानी और वड़े। और मैं लेके जाऊंगी कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। और उसमें मैंने डाली है थोड़ी सी तुलसी की पत्ती, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते को तो भोग नहीं लगता कान्हा जी का। तो इसमें मैंने डाला है तो तुलसी की पत्ती। और उसके बाद मैं लेके गई भगवान जी को भोग लगाया। और भोग लगा के फिर भगवान जी को भोग लगा के उनको अपने हाथों से खिलाया। कुछ गर्म लगी थी टिक्की में मुझे, तो मैंने उन्हें अपने हाथ से ठंडा कर करके खिलाया है, क्योंकि गर्म नहीं खिलाया जाता। उसके बाद फिर मैं कान्हा जी को भोग लगा के उनको पानी पिलाया, पानी पिलाया, फ्रूट्स भी खिला दिया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा गाइस? अगर भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।